भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। बस गाना तो मैं तुम्हें पूरा सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर आ जाता है, और वैसे भी गाना सुनने नहीं आए हो तुम यहाँ पे, तुम आए हो एक कहानी पढ़ने, और कहानी का नाम है भोली। भोली बोले तो एकदम सीधी सादी लड़की। तो ये कहानी है एक बहुत ही सिंपलटन सीधी सादी लड़की की। एक्चुअली उसका नाम होता है सुलेखा, पर उसको सब लोग भोली बोलते हैं। और हाँ, इस कहानी को लिखा है K.A. अब्बास साहब ने। वैसे तो ये महाशय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ना बहुत जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे, और एज यूजुअल हर राइटर की तरह इन्हें भी पद्मश्री मिला हुआ है। पर हाँ, इनको ना इंडियन नेशनल अवार्ड जो होता है फिल्म्स का, वो भी मिला हुआ है। और तो और जो कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, उसमें भी ये इनवाइटेड थे। तो ये महाशय राइटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे। ये जो बच्ची है ना भोली, इसको बेचारे को ना बचपन से ही सब नेग्लेक्ट करते थे। कोई इससे ढंग से बात भी नहीं करता था, इसकी केयर भी नहीं करते थे इसके घर पे। और तो और ये ना बोलना भी बहुत लेट सीखी, और जब सीखी तो बहुत स्टैमर करती थी, बहुत अटक अटक के बोलती थी। पर क्या हुआ, इसकी लाइफ में आई एक बहुत अच्छी टीचर, और उस टीचर के आने से ना इसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। अब हम देखेंगे कि आखिर इसकी लाइफ में ऐसा हुआ क्या। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये जो लड़की होती है ना भोली, ये फोर्थ डॉटर होती है अपने पिताजी की। इसके पिताजी के होते हैं 7 बच्चे। अब समझ में आया, 135 करोड़ ऐसे ही नहीं हो गए। इसके पिताजी का नाम होता है रामलाल। ये होते हैं एक नंबरदार। नंबरदार बोले तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते होते हैं। अब इन 7 भाई बहनों में से ना 3 भाइयों को तो शहर भेज दिया जाता है, उनका स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन करा दिया जाता है ताकि वो लोग पढ़ लिख सकें। और बाकी की जो बहनें होती हैं, 3 बहनें जो होती हैं ना भोली की, वो एकदम फिट हेल्दी सुंदर टाइप की होती हैं। तो पिताजी को उनकी तो कोई चिंता नहीं होती। सबसे छोटी होती है हमारी भोली, और उसके पिताजी को उसकी बहुत चिंता होती है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये भोली बेचारी 10 महीने की थी ना, तो एक कॉट पे से गिर गई थी। कॉट बोले तो खटिया, और उसके दिमाग पे चोट लग गई थी। शायद तब भी उसका दिमाग ना थोड़ा धीरे काम करता था। वैसे बहुत सारे लोग ना कोई चोट नहीं लगती उनको उनके दिमाग पे, फिर भी पता नहीं क्यों उनका दिमाग ही नहीं काम करता। एक तो लगी बेचारे को दिमाग पे चोट, और तो और जब वो 2 साल की थी ना, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे। सिर्फ आंखें बची थी, बाकी पूरी बॉडी पे उसको छोटे 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 ब्लैक कलर के ना स्पॉट्स हो गए थे। तो वो थोड़ी अच्छी भी नहीं दिखती थी। एक तो बेचारी की अकल भी नहीं काम करती थी, और दूसरा ऊपर से उसकी शक्ल। तो ये अकल और शक्ल का जो वियर्ड कॉम्बिनेशन बन गया था ना, यही उसके पिताजी की सबसे बड़ी चिंता थी। अब ये जो थी ना सुलेखा हमारी, सुलेखा मतलब भोली, इसने ना बोलना भी बहुत लेट सीखा। जब तक वो 5 साल की थी ना, तब तक वो बोल ही नहीं पाई, और जब उसने बोलना चालू किया तो वो ना अटक अटक के बोलती थी। अगर उससे उसका कोई नाम पूछेगा ना, तो वो ऐसे बोलेगी भो 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 भोली, तो वो पूरा नाम तो बेचारी बोल ही नहीं पाती थी। अब क्या होता था कि उसके भाई बहन और उसके कॉलोनी के जो बच्चे होते थे ना, वो उसको बहुत चिढ़ाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, उसको बहुत बुरा लगता था। तो उसने ये डिसाइड किया कि इससे तो अच्छा है कि वो थोड़ा कम ही बोले, और धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई थी, बहुत कम बोलती थी बेचारी। अब देखो, ये जो रामलाल था ना, ये रेवेन्यू ऑफिसर था, बोले तो नंबरदार, तो इसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी राधा, उसकी तो शादी हो चुकी थी। दूसरे नंबर की थी मंगला, उसकी भी हो चुकी थी। अब किसका नंबर था? चंपा का। अब जब चंपा की शादी होने वाली थी ना, तो हमारी भोली सिर्फ 7 साल की थी। जब भोली 7 साल की थी ना, तो उनके गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल की ओपनिंग हुई, और ओपनिंग करने की जो सेरेमनी थी, उसको पूरा करने के लिए आए तहसीलदार साहब। अब तहसीलदार साहब बोले तो रामलाल के बॉस। वो रामलाल को कहते हैं कि देखो, मैंने गांव में गवर्नमेंट स्कूल तो खुलवा दिया है, पर लोग सीखें, वो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजें, तो सबसे पहले उनके सामने
तुम एक एग्जाम्पल सेट करो, तुम अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजो। अब तहसीलदार साहब की बात तो सुन ली, जब रात में रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस किया ना कि तहसीलदार साहब तो बोल रहे थे कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, तो वाइफ कहती है पागल हो गए हो तुम, अगर लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा। पर देखो भाई, बॉस तो बॉस होता है। अभी जो मैं तुम्हें डायलॉग सुनाने वाली हूँ ना, वो तुम जब बड़े हो जाओगे, जब पैसे कमाने लग जाओगे ना, तब तुम बहुत बार सुनोगे। और वो डायलॉग है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो जो तहसीलदार साहब थे ना, ये किसके बॉस थे? रामलाल के। अब देखो, तहसीलदार साहब थे वो, उनको मना करने की हिम्मत ना रामलाल में तो थी नहीं। उसकी वाइफ ने उसको बोला कि तुम एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो। वैसे भी जिस हिसाब से उसकी अकल और जितनी गंदी शक्ल है ना, उसके चांसेस तो बहुत कम है कि उससे कोई शादी करेगा। तो हम उसको स्कूल भेज देते हैं और टीचर्स जाने और उनका काम जाने, वो अब उनकी झंझट रहेगी। तो भाई साहब, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भोली जाएगी स्कूल। अब जब भोली को ये पता चला ना कि उसको स्कूल भेजा जा रहा है, तो वो बहुत डर गई, क्योंकि उसने आज के पहले कभी स्कूल देखा ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। उसको ऐसा लगा कि उसके मम्मी पापा से कहीं उसको दूर जाना है, और बस यही सोच के ना वो बहुत डर गई थी। और पता है, वो इतना डर इसलिए भी रही थी क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले उनकी एक गाय थी, गाय का नाम था लक्ष्मी, उसको ना घर से निकाला था और बेच दिया था। तो भोली को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना कि कहीं जैसे गाय को घर से निकाल के बेचा है, ऐसा कहीं कुछ मेरे साथ भी कर दे। बट भोली बेटा, इतनी चिंता मत करो, इतने गंदे भी नहीं है तुम्हारे पापा। अब वो ना डर के मारे चिल्लाई, नो 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 नो, प्लीज मुझे स्कूल मत भेजो। उसके पापा ने गुस्से में चिल्लाया, अरे बेवकूफ, स्कूल ही तो भेज रहा हूँ, चलो चुपचाप। अब रामलाल ना अपनी वाइफ को बोलता है कि इस भोली को ना थोड़े डिसेंट टाइप के कपड़े पहना दो, क्योंकि अब जब ये स्कूल जाएगी तो वहाँ टीचर्स मिलेंगे और बाकी लड़कियां मिलेंगी, वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम हमारी बेटी को इतने गंदे कपड़े पहनाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद भोली के कपड़े ना वॉश किए गए और उसको थोड़े डिसेंट टाइप के, थोड़े अच्छे कपड़े पहनाए गए। और तुम्हें पता है वो कपड़े किसके थे? वो कपड़े थे चंपा के। अब चंपा की तो शादी हो चुकी थी, वो ड्रेस उसको फिट नहीं आती थी, तो उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे ना, वो ही उसको पहना दिए जाते थे। अब जब भोली को एक नई साफ सुथरी ड्रेस मिली, उसके बालों में ऑयल लगा के उसको अच्छे से तैयार किया गया ना, तो उसको यकीन हुआ कि फाइनली वो अपने इस घर से निकल के किसी अच्छी जगह ही जा रही है। जब वो लोग स्कूल पहुंचे ना, तो भोली बहुत डरी हुई थी, पर फिर भी उसके पापा ने ना भोली का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया और वो तो वहां से चलते बने। भोली ने देखा कि वहाँ बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, उसकी एज की लड़कियां हैं, कुछ बुक्स में से रीडिंग कर रही हैं, कुछ चौक से स्लेट पे कुछ लिख रही हैं। फाइनली हेडमिस्ट्रेस ने उसको एक तरफ इशारा करके बोला कि जाओ उस कोने में जाके बैठ जाओ, तो वो वहां पे जाके चुपचाप बैठ गई। अब देखो, ये जो भोली थी ना, इसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल जाते क्यों है, बट अल्टीमेटली वो बहुत खुश थी। पता है क्यों? क्योंकि उसको उसकी एज की वहाँ बहुत सारी लड़कियां दिख रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई ना कोई तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड बनी जाएगी। अब देखो, वो बैठ तो गई क्लास में, टीचर जो पढ़ा रही थी ना, सब सर से ऊपर जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। बट जब उसने वॉल्स पे इधर उधर देखा ना, तो उसपे जो चित्र बने हुए थे उनको देख के तो वो एकदम फैसिनेटेड ही हो गई। उसको एक घोड़ा दिखा, बिल्कुल वैसे ही ब्राउन कलर का, बिल्कुल वैसे ही घोड़ा जैसा वो तहसीलदार लेके आता था गांव में, घोड़े पे बैठ के आता था वो। वहां उसको एक बकरी दिखी ब्लैक कलर की, तो उसको याद आया ये बकरी बिल्कुल उसी कलर की है जिस कलर की उनके पड़ोसी के पास है। उस वॉल पे एक गाय की पेंटिंग भी बनी थी, तो गाय की पेंटिंग को देख के उसको कौन याद आई? लक्ष्मी, जिसको ये लोग बेच चुके थे। उसकी क्लास की वॉल पे ना एक तोता भी बना हुआ था, और जब उसने तोते को देखा तो उसको वही हरा कलर याद आया जैसा उसने उसके आम के बगीचे में तोता देखा था। मतलब टीचर जो पढ़ा रही है वो तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी अलग ही कलर्स की दुनिया में खोई हुई थी।
अब जब ये भोली अपनी दुनिया में खोई हुई थी ना, तो अचानक से उसको रियलाइज हुआ कि कोई उसके पास में खड़ा है, और वो कौन थी? उसकी टीचर। टीचर ने पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो वो बोली, इससे ज्यादा तो वो बोल ही नहीं पाई। और तुम्हें पता है कि जब उसने ऐसा बोला होगा तो बाकी की जो लड़कियां थी वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जोर जोर से हंसने ही लगी होंगी। तो जब वो अपना नाम भी नहीं बता पाई और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे ना, तो ये सोच के उसको बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में से बहुत सारे आंसू निकलने लग गए। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोली। जैसे ही बेल बजी तो सारी लड़कियां बेल बजते से ही क्लास के बाहर। टीचर आई उसके पास और बड़े प्यार से बोली, भोली। ये सुन के उसको ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ में आज के पहले तक उसको इतने प्यार से किसी ने आवाज नहीं लगाई थी, बेचारी बच्ची। टीचर ने आके उसको बड़े प्यार से बोला, खड़े हो बेटा और अपना नाम बताओ। अब उसको ना पूरा पसीना पसीना हो गई सिर से लेके पैर तक। उसको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से स्टैमर करूंगी और अपना नाम ही नहीं बता पाऊंगी। पर उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे ही उसने अपना नाम बोलना चालू किया ना, वो ही फिर से भब भब फिर अटक गई उसकी गाड़ी। फिर टीचर ने उसको बोला, हाँ हाँ वेरी गुड, और बोलो। तब कहीं जाके बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद अटक अटक के जैसे तैसे उसने बोला, भोली। और जब उसने ये बोला ना, तो उसको बड़ा रिलीफ मिला कि फाइनली उसने अपना नाम तो बता दिया। टीचर ने ना बड़े प्यार से उसके कंधे पे टैप किया और उसको बोला, वेल डन, तुम बस ना अपने दिल से ये डर निकाल दो, तुम भी बिल्कुल वैसे ही बोल पाओगी जैसे दूसरे लोग फ्लुएंटली बोल पाते हैं। उसने मन ही मन सोचा, रियली ऐसा मैं बोल सकती हूँ? टीचर जो थी ना वो बड़ी काइंड थी। उन्होंने भोली को एक बुक दी और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, हाथी घोड़ा तोता गाय, किसके जैसी? लक्ष्मी के जैसी। और हर एक पिक्चर के नीचे ना बड़े बड़े लेटर्स में वर्ड्स लिखे हुए थे। टीचर ने भोली को बोला, तुम ना रोज स्कूल आना, आओगी ना? तो भोली ने ना सिर हिलाया, बोली हाँ आऊंगी। ऐसा उसने बोला नहीं, ऐसा उसने एक्सप्रेस किया। फिर उसको टीचर ने बोला कि बोल के बताओ। तो जैसे तैसे अटक अटक के उसने बोला, हाँ। टीचर ने बोला, वेल डन, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम बोल पाओगी। भोली को भी बहुत अच्छा लगा। वो बुक देते हुए टीचर ने भोली को बोला, एक महीने में ना तुम ये सब सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें एक इससे बड़ी बुक दूंगी, उसमें जो लिखा होगा ना वो भी पढ़ना सीख जाओगी, फिर और बड़ी बुक, फिर और बड़ी बुक। ऐसे करते करते इस गांव में सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी तुम, पर उसके लिए तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा। और जब तुम पढ़ लिख जाओगी, कॉन्फिडेंटली बोल पाओगी ना, तो इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो तुम्हारा मजाक उड़ा पाएगा। इनफैक्ट सब लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे। तो अब आज जाओ और कल से रोज स्कूल आना। टीचर की ये बातें सुन के ना भोली को बहुत अच्छा लगा। जब वो स्कूल से बाहर निकली ना, तो उसको ऐसा लगा कि पेड़ जो है ना वो एक अलग ही ट्यून में डांस कर रहे हैं, एक अलग ही तरीके का म्यूजिक उसको कानों में सुनाई दे रहा था। कहने का मतलब कि वो बहुत खुश थी। भोली की खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, नई उम्मीद के साथ, उसकी आने वाली नई लाइफ के साथ। तो अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, उसके दिल को धड़कने देते हैं और हम मिलेंगे इस कहानी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।